सरवरे कायनात, मुजस्मे आबे हयात, वालिये कुल आलम, शब्द गुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच बैठी साध संगत जी, आओ गुरु पातशाह जी की बख्शी फतेह बुलंद करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिमें कि स्टेज तो समा दिता गया है 10 मिनट का, तो कुलविंदर वीर जी नाल जदों गल हुई सी मैं भी कहा कि 15 मिनट का ही मैं समा लवांगा, ज़्यादा समा नहीं लवांगा, क्योंकि जदों तो लॉकडाउन शुरू होया हुण अजकल वर्चुअल सैमीनार ते वर्चुअल लैक्चर ज़्यादा हो रहे ने, ते हर सोमवार राती 9 बजे तो लैके 10:15 बजे तक सिखी चैनल दे फेसबुक ते यूट्यूब चैनल दे उत्ते भी दास वल्लों कोई ना कोई टॉपिक दे उत्ते लाइव प्रोग्राम किया जाता है। तो 10 मिनट की समाप्ति तो बाद जिमें कि कुलविंदर वीर जी ने कहा कि किसी कमरे के बैठ के असी उत्थे भी लाइव करांगे, मगर जो अज दा इत्थे टॉपिक जो संगतां वल्लों हुक्म होया दसवंद, गुरु नानक पातशाह जी का 550 साल पहला दिता 3 सिक्खी दे असूल, किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। 550 साल पहले सच्चे पातशाह किरत करन दा सानू संदेश देंदे ने। क्यों कहंदे ने सच्चे पातशाह कि किरत क्यों करनी है? जे 550 साल पिछे दा जदों इस देश दी तुसी इकोनमी नू देखदे हो तो उस समय तो 2 तरह के ही लोग वसते ने इस देश। एक ओ जेड़े मंदरां दे बाहर भिखारी बन के बैठे हुए ने, तो दूजे ओ जेड़े पैसों वाले नू लुटते ने। 2 तरह के लोग सिर्फ पाए जाते सी, किरती लोग नहीं सी इस देश के अंदर। तो जेड़ा किरती होएगा वो पैसे की वैल्यू समझेगा, जेड़ा किरती होएगा वो अपना घर पाल सकेगा, ते जेड़ा किरती होएगा वही सिर्फ लोड़वंद की मदद कर सकेगा। तो 3 बेसिक कॉन्सैप्ट सानू सच्चे पातशाह ने दिते, जिदे विचों एक कॉन्सैप्ट दे उत्ते असी गल करनी है, वह है वंड छकण की। वंड छकण जिदा नाम असी दसवंद भी कहने हैं, क्योंकि दसवंद और वंड छकण च भी 2 फर्क हैगे ने, जिदे बारे आपां अगले 10 मिनट गल करांगे। दसवंद की हैगा जी? दसवंद साडा ओ कमाई का हिस्सा है, जदों जे तुसी 100 रुपये कमाते हो ना, तो तुहाडे घर का खर्चा है मान लो 90 रुपये, तो तुहाडे कोल जिहड़े 10 रुपये बचे ने, जो तुहाडी नैट सेविंग है, उहदा 10% जिहड़ा है वह तुसी भले कारजां वास्ते खर्च करना है, गुरु दे लेखे लाना है, गुरु की संगत दे लेखे लाना है, वह हैगा जी साडा दसवंद। कई बारी भुरेखा ही रह जांदा है कि भई मेरी कमाई का मैं 10वां हिस्सा देना है, मैं अपने खर्चिया का 10वां हिस्सा देना। की है दसवंद? दसवंद जो साड़ी नैट इनकम है ते जो साड़े एक्सपेंसिज ने उन्हों लैस करके जो तुहाडे कोल सेविंग बचिया ने उहदा 10% जिहड़ा है वह तुसी देना है। गुरबाणी विच सच्चे पातशाह सानू कहिंदे ने अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली की जय दान, नानक रख आखे रहो इहो होर गल्लां शैतान। पर दान भी देना है ते दसवंद, हुण दान ते दसवंद विच भी फर्क है। दान देण वाला कौन हुंदा है जी? वड्डा। दान किहनूं दित्ता जांदा है? दान वाला हमेशा अपने आप नूं वड्डा खवांदा है। ते की असीं गुरु नूं दान दे सकदे हां? दाता तां गुरु दे हत्थों लित्तियां ने, दान तां नहीं दे सकदे असीं गुरु नूं। ते जदों भी गुरु घर दे विच जदों असीं अपनी माया कार अर्पित करदे हां ते असीं कहिंदे हां असीं गुरु नूं भेटा दे रहे हां। गुरु साहिब की बख्शी हुई जड़ी बख्शिशा ने सानू सच्चे पातशाह ने दित्तियां, ते असी अपना फर्ज निभाते हुए असी कार भेटा दे रहे हाँ। ते दसवंद की सिर्फ सिक्खी दे अंदर है? जे आपां इस्लाम धर्म की गल करिए, जो कि सिक्खी तो बहुत पुराना धर्म है, उन्हां दे विच किया गया जकात करनी है, हर मुसलमान नू जकात करनी ही करनी है। तो जे आपां गल करिए साडे सिक्खां वर्गी एक बहुत छोटी कौम है जिन्हों आप कहने यहूदी कौम, ज्यूज, ज्यूज ने विच भी उन्होंने धर्म के उन्होंने बेसिक कॉन्सैप्ट दिता गया कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, जो प्रॉफिट बचे वह 10वां हिस्सा तुसी अपनी कम्यूनिटी लई
गुरु घरां लई ते उस लोड़वंद लई जिन्हों जैनुअनली उस पैसे की लोड़ है। कई बार सिर्फ असी अखां बंद करके साडे कोल समां ही नहीं आउंदा, असी पैसा कमाण विच इन्ना रुझे हुंदे आ कि असी उस पैसे दे मिसयूज करन वाले नूं असी अपना दसवंद दे दिंदे आ, गुरु साहब नूं नहीं पाउंदा, क्योंकि गुरु साहब ने कहा अकली कीजे दान। ते जिहड़ा किरती सिंह है उस किरती सिंह नूं ही क्यों कहा गया? सब तो पहले किरत दा संदेश दित्ता ना सच्चे पातशाह ने, क्योंकि गुरद्वारा साहब असी जिथे बैठे हाँ ना, यह गुरद्वारा की है साडे लई? गुरद्वारा सब तो पहले एक सिख लई आने वाली संगत लई एक आत्मक सोमा है, जिथे आके साडी आत्मा नूं सहज मिलता है, साडे मन नूं शांति मिलती है। मगर हर बंदा जिहड़ा है सिर्फ आत्मा की शांति लई तां नहीं आंदा गुरद्वारा, गुरद्वारे तो होर भी कार्जां लई संगत आउंदी है। हुण जिहड़ा भुखा है बंदा है उहदे लई तां आत्मा की शांति कदों आउणी है? जदों उहनूं रोटी मिलनी है। तो उहदे लई की है जी? गुरद्वारा अन्नपूर्णा, क्योंकि पहले उहने लंगर छकन जाणा है, उस तो बाद उहने मत्था टेक के शायद बैठ के भगती करनी है। तो जिहड़ा कि कहिंदे ने अनपढ़ है गवार है उहदे लई धर्मशाला है, पढ़न लिखण की जगह है गुरद्वारा। अज तो गुरद्वारियां दे विच असीं पढ़ाई नहीं कराते हाँ, मगर जे तुसी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी समय ते चले जाओ या गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे समय ते चले जाओ ना, ते आनंदपुर साहब जेड़ी भी संगत आउंदी सी घट्टो घट 10 दिन उन्ने गुरमुखी पढ़ के जाण दा ऑर्डर सीगा गुरु साहब वल्लों, कि घट्टो घट अगर कैदा भी पढ़ लेगा कखा खखा गगा पढ़ लेगा तो एटलीस्ट जिंदगी कुछ पढ़न जोगा रहेगा। तो 10 दिन के जड़े गुरु के लाल से वह भी एक इन्ना क बंदे नूं पढ़ा देंदे सी कि अपनी जिंदगी मार नहीं खांदा सी। यह है गुरद्वारा। चौथा गुरद्वारा की है जी साडे लई? हुण रोगी भी आंदा गुरद्वारे विच, जदों निशान साहब देखदा दूरों रोगी बंदा भी आ सकदा इत्थे, उहदे लई की है जी? उहदे लई गुरद्वारा साडा उपचार दा केंद्र है। इत्थे डिस्पेंसरियां गुरु घर च खोलियां गईयां ने। अज ज़्यादातर सारे गुरद्वारियां दे विच डिस्पेंसरियां, किधरे सिटी स्कैन, किधरे एक्सरे सेंटर, उस रोगी दे लई गुरद्वारा उपचार केंद्र है। पर यह सारिया सेवावां किवें चलणगियां? यह सारिया सेवावां उदों चलणगियां जदों असी निता प्रति अपनी सुची कमाई चों दसवंध अपने गुरु घर दे विच भेटा देंगे। जरूरी नहीं गुरु घर च ही देना है, तुसी अपने घर दे विच गोलक भी लगा सकते हो। पहले पुरातन समय च बजुर्ग बैठे ने, पहले सारे घरां दे विच गोलक हुंदी सी। गुरद्वारियां दी गोलकां तां हुण वड्डियां हो गईयां, बहुत ज़्यादा हो गईयां, मगर पहले हर सिख दे घर गोलक हुंदी सी। ते हर सिख इन्ना क चिंतन करदा सी कि कौन लोड़वंद है ते कौन लोड़वंद नहीं है। अज ते असी सिर्फ एक फॉरमैलिटी कर दिता कि हाँ भी जाना है गुरद्वारे, आपां गोलक च मत्था टेकना है, ते उस तो बाद असी पुछना ही नहीं कि उस गोलक च आई माया दा की कीता गया। मगर पुरातन समयां विच नहीं हुंदा सी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे समय ते कोई ज़्यादा स्कूल नहीं बनाए गए, मगर हर गुरद्वारे दे अंदर टीचर रखे जांदे सी कि जेड़े आन वाले हर व्यक्ति नू हर संगत नू इन्ना पढ़ा देंदे सी कि अज भी एजुकेशन रेट इंडिया दा ओ नहीं है जो अज तो इन्ने सौ साल पहले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे 40 साल दे राज विच सीगा। ते दसवंध नाल असी किन्ना कुछ कर सकते हैं। दसवंध नाल जे असी गल करिए ना, क्योंकि एक छोटी कौम का कंपैरिजन बड़ी जल्दी मैं कर सकदा, तुहानू भी समझ आएगा। तो बड़ी फेमस चीज़ा एक कौम दे कोल अज हैगियां ने जिन्हां नू 1000 साल मार पई ईसाइयां तो ते मुसलमाना तो, वह हैगी ज्यूज कौम। 1000 साल तक वो मार खांदे रहे ने, उन्हां दा कोई स्थान नहीं सी, उन्हां दा कोई देश नहीं सी, मगर उन्होंने अपनी कम्यूनिटी लई की कीता। अज उन्होंने कम्यूनिटी विच्चों अपनी एल्बर्ट आइनसटाइन नू पैदा किया। सुनिया जी सब ने एल्बर्ट आइनसटाइन का नाम? अज जिन्नी बिजली जग रही है गुरद्वारा साहब के अंदर, जिहड़ी कंपनी भी बिजली के इक्विपमेंट बना रही है उहदा कुछ ना कुछ शेयर उहदे घर अज भी जा रहा है, तो सारी दुनिया चो जा रहा है। तो उन्होंने होर की पैदा किया अपनी कम्यूनिटी चो? उन्होंने पैदा किया मार्क जुकरबर्ग, पैदा किया फेसबुक, पैदा किया व्हाट्सएप, पैदा किया इंस्टाग्राम, पैदा किया लिवाइस कंपनी, पैदा की एडिडास कंपनी, पैदा की
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਕ ਕੰਪਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਿਊਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਕੀ ਉਹ ਡਰੇ? ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? UAE ਕੋਲ। ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮਗਰ ਕੀ ਡਰ ਗਏ ਯਹੂਦੀ? ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਮਾਰ 1000 ਸਾਲ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਮੁਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੂਹ ਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ GHPS 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ 98। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ GHPS ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੀਸ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋੜਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਲੂਲੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਓਗੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮੱਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਖਿੰਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਐਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ, ਮਗਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਓ
कि बाकियां दी 3 घंटे सेवा कीती हुई भी पिछे रह जाए तो यह हो सकता है। एक खिन मात्र विच भी वह सेवा प्रवान हो जाती है जो शायद सारी उम्र करन वालियां दी भी सेवा प्रवान नहीं होंदी, मगर गल जुड़न दी है। तो जो जुड़ के असी गुरु नानक पातशाह जी दे 3 कॉन्सैप्ट अपनी लाइफ च फॉलो कर लिए ना, तुहानू होर कोई चीज़ फॉलो करन दी लोड़ नहीं पैनी। किरत करिए, हाथ नहीं अड्डना किसी के अगे, क्योंकि सिख का हाथ हमेशा एवें कहा गुरु साहब ने, सिख ने हाथ नहीं अड्डिया। जंगलों च भी रहे, घोड़िया की काठिया के उत्ते सालों साल गुजारे किए, तो खालसा राज भी कायम किया। अज सारिया को मोबाइल फोन है, पढ़ो शेरे पंजाब का 40 साल का खालसा राज किवें दा सीगा। पूरे एशिया के अंदर उवें दा राज अज तक किसी ने नहीं किया, ना मुगल सल्तनत ने किया, ना अंग्रेजों ने किया, ना आने वाले समय में कोई कर सकता है। जे करेगा तो वह सिख का राज होएगा, वह खालसे का राज होएगा। समा मेरा समाप्त है जी, क्योंकि अगला फिर सैशन करना है, तो इतिहास की विचार करते बाणी की विचार करद दास कोलों बड़िया भुला गलतियां बेदबियां हो गई हैं। गुरु साहब जानी जान ने आप संगत जी अरदास करना जी कि अगे तो एवें दी गलतियां होर ना करिए, जिन्नी सुचमता नाल जिन्नी मन की सफाई नाल गुरु की गल सांझी कर सकीए, उस तो वड्डी कोई सेवा नहीं है जी। गज वज के फतेह गुजाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।